कहाँ से आए? जोर से बोलो। अच्छा, क्या पेशेंट को इन्होंने क्या क्या हो रहा है? इनको बहुत परेशान कर रही है, किसी का सुनता नहीं, किसी के ऊपर ऐसा गालियां दे रहे, मार रहे, झगड़े कर रहे, किरकिरे हो रहे। कब से हो रहा हो? 6 साल। 6 साल से परेशान कर रहे। अभी इसकी शादी हुई मेरे से। अच्छा अच्छा। मेरे पति उसका। सात वर्ष से ज़्यादा। 4 महीने में शादी हुई। अच्छा अच्छा। बहुत झगड़े कर रही है। सात वर्ष से ज़्यादा लाश करती थी, लहन ले ले, मार ले ले, का ही कर रही। इतना भी मारो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहीं नहीं, आज बात का फर्क ही पड़त नहीं रहा, कस बस नहीं। अरे मुझे तो वही तक नहीं है। कहाँ जोर से? और क्या हाल लगा? और जोर से झगड़ लो उसको, अंदर देते हैं साथ झगड़ो उसको। झगड़ लो उसको और देर से। मियां बीवी में झगड़े लगा रहा रे, हाँ बुरा औरत मरत में भड़ना लगा रहा, कहीं को लगा रहा बसा? झगड़ो उसको और देर से। और निशक्ति लावून ये किती आयतार फुटून आणले होते तुला? हो रे शमशान से, कब्रस्तान से माणूस होता, बायको होती, कोण आणले होते ते? जलाओ उसको और तेज, जलाओ उसको, झगड़ो उसको और तेज से। लगा पूरी ताकत लगा जोर से। मार देने वाला था इसको, कोई मन ले होते जीव के मनुन, कौन थे मानूस होता बाइक होती, कशा मुळे जीव घेणार तो तू काय दुश्मन तुझी जी हो रे? शमशान से, कब्रस्तान से, कुटून जोर से सांग, सबको सुने आना। शमशान से कवान ले होते, कितनी वर्ष साले, कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। कितने? लगा पूरी ताकत, झगड़ लो उसको और तेज से, झगड़ो उसको और तेज से। काय म्हणले होते? क्या बोला था उसने लाया था जब? तो सिर्फ इतना बोला था, हाँ लड़की सिर्फ मुझे चाहिए, सिर्फ मेरी है, हाँ। मेरी होनी चाहिए वरना, हाँ। ये बच्ची, हाँ। जिंदा नहीं रह सकती। एक तो ये लड़की मेरी, नहीं किसी की नहीं। अमूशाला पूर्णिमाला कवा ही सचिव घे मन लावत होते ना? अमूशा, अमूशा इसकी मरद में इसमें झगड़े भी लगा रहा था तू? इसके मर्द से, हाँ।
उस औरत को वो पिटवाने के लिए बोला था मुझे, बहुत पिटवाने के लिए बोला था मुझे जिसको किस चीज में खिलाया था उन्हें जादू की चीज ला के इसको कशा मधी खाओ घातले होते थे ना ये पोरगीला कशा मधी खाओ घातले होते का बता रही हाँ। लेकिन इस लड़के को हाँ। दूध की गिलास और एक खाने की थाली में भी खिलाया दूल्हे को उसके क्या बोल के खिलाया दूल्हे को चाय बोल के गाले उसने भी खा लिया था। अच्छा दूल्हे को क्या तरास देने वाले थे उसको सिर्फ अपनी बात सुननी हाँ। अपने काम में करना था उन लोगों को थोड़ी सी बहुत नहीं थोड़ी सी तकलीफ देनी थी उसको हाँ। लेकिन अभी वो बहुत हो गया हाँ। जो ये सब कर रहा था हाँ। उसके हाथों से सब निकल रहा है वो सब इसलिए वो अभी इस लड़की को तकलीफ दे रहा था लेकिन ये लड़की अभी मरने वाली थी। कब? अब 5-6 दिन में 5 दिन पहले। अच्छा 5 दिन के अंदर मार देने वाली थी आने वाली नहीं आ, मरने वाली थी वो लड़की। अच्छा हाँ, इधर आ रही होके बच्ची क्या पता नहीं कैसे उसकी शादी हुई है वही पे दूसरा ही कोई गया है शायद कौन सा तो पेड़ गया हो इस बच्ची के जगह बच्ची मरने वाली थी लेकिन वो पेड़ गया Ah!
और कुछ पूछाने का है? और कुछ राज के बात पूछाने के क्या? इसका जादू चला देना में क्या लेकर दे इसका? कुछ ले रहा था अंदर बैठ के उस आदमी ने मुझे सब करवाने के लिए बहुत खिलाया पिलाया। ऐसा हाजिर हुआ था कि कहीं ऐसा ना के सामने लाए थे क्या कभी कोई ने सवाल जवाब हुए थे क्या? नहीं झगड़े किरकिरे होते थे बस। हाँ बस इतना झगड़ा होते थे सवाल जवाब कुठे झाले होते का सामने आता पर्यंत कोणी भेटलंच नाही इथं कितीदा आले तुम्ही आता पहिले पहिली वेळ मध्ये ऐसा कहना है कि पहले सिर्फ डिप्रेशन में रहता था पेशेंट, झगड़े करना, किरकिरिया करना, घर में माँ को मारना, बाप को मारना, उसके बाद मर्द को लड़ना झगड़ना, अंदर का शैतान बोला मर्द से तोड़ के तलाक करा देना था उसके अंदर का। और उन्होंने इससे पहले कहीं हाजिर नहीं हुआ, पहली बार में हाजिर होगा, अल्लाह के हुक्म से पकड़ के सामने ला के बताया। सबका अलग अलग था, किसका पहली बार में आता, किसका दूसरी बार में, किसका तीसरी बार में। लोगों का पहली बार में जाकर पहली बार में खुलासा होगा क्या दास्तान से, जादू टोना करे अलग, कौन करा क्या करा, उसने बयान करा, खाली मैंने नाम नहीं पूछा है, अभी नाम जरूरत पड़ी तो आगे पूछूंगा। उन्हें क्या मकसद था उसमें सब बोले अलग, सुन लो तो समझ में आ जाएगा। खैर ऐसे एक दूसरे को ऊपर नहीं करना, ये बहुत ही गलत और दूसरों की जिंदगी खराब करना। और शैतान सबके सामने हाजिर नहीं होते, जहाँ अल्लाह ने नमाज अली ताकत रहते उसके सामने हाजिर होते, नहीं तो किसी की औकात नहीं इतनी जो शैतान टक्कर ली कि बहुत बुरा मारते हो। अगर टेढ़े की बात करे शैतान जिन्ना तो इतने खतरनाक गुस्से के जाहिल रहते हो कि बरोबर घेर के बदला लेते हो हमारे पूरे बुरा के साथ। यहाँ यहाँ अल्लाह का इज़्ज़त है, अल्लाह वाले के सामने कुछ औकात नहीं, शैतान कलाम इलाही पढ़ने वाले जबान के सामने ये सब बातें ताकत नहीं रखती, सब चीजें। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के कलाम की ताकत, कोई जादू टोने की ताकत नहीं, कोई करनी का डाल नहीं, इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो सबसे बड़े। और दुआ मोमिन के लिए हथियार और रस्सा, जरूरी है कि दुआ मुसलमानों के वास्ते उतरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई दुआ पढ़ सकते हैं, सब दुआएं याद करो। तुम दुआएं पढ़ेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगे, तुम्हारी फैमिली सब तुम सुकून में रह सकेंगे। फैमिली का एक भी मेंबर अगर से ऐसा कुछ हो जाता तो पूरे फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब हो जाते, कोई सुकून से खा नहीं सकता, चैन से रह सकता नहीं, चैन जी सकता नहीं, सबके दिमाग में उसका चलते रहता है, एक घर का जो भी मेंबर बीमार था उसका रहन भी सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि सब दुआएं याद करना, दुआ सबके लिए उतरे आली, ऐसा कोई जरूरी है कि आप आलमीन बन के उतरे आली, सारे दुनिया के सारे आलमों के लिए रहमत बना के बदलता ने, तुम सब दुआएं याद कर सकते, पढ़ सकते, उसका फायदा उठा सकते। मारते रहो उसको नाला अंदर से और झगड़ के तेज एक साथ में झगड़ो उसको तेज से, आग लगाओ उसके अंदर तेज से, मैं अभी तकलीफ दूंगा, उसका बच्चा मर जाएगा, प्लीज मुझे जाने दो, सुने नहीं आ रहा मुझे। उसका बच्चा मर जाएगा, आ, उसको बहुत तकलीफ हुई है पहले भी, प्लीज उसको छोड़ दो। तू नहीं करेगा जादू टोने वाली क्या, तो जला के नष्ट करना पड़ेगा ना लायक। हाँ मुझे उस लड़के आदमी ने छोड़ दिया, मैं जाऊंगा, मेरा कोई मकसद नहीं था, वो जादू आटो ने कर रहा लोगों पे बैठ बैठ के कमबख्त, क्या दुश्मनी थी उसके बाप के साथ में तेरी? मेरी उसके बाप के साथ नहीं, उसके मर्द के साथ थी क्या? उस आदमी की हाँ वो दुश्मनी थी। अच्छा जिसने तेरे को इसके आंग में छोड़ा तो उस लड़की के साथ, उसको वो जो लड़की है ना हाँ वो आदमी के मन में बैठी थी, लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे भी मार खिलवाए बहुत लोगों से, हर एक का बदला लूंगा मैं, लेकिन अभी ये बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मुझे, देनी है मुझे उस आदमी को तकलीफ देनी है।
वाले ने मुझे कल मारा। मुझे उसको तकलीफ। क्या बोल के मारा कल तिकुन ने? वो बोल रहा था मुझे किसी लड़की के साथ भाग जाने दो। दुपट्टा बरबर कर। मुझे आगे करवा के उस लड़की को तकलीफ दी और अभी मारा कर उसको। मुझे तकलीफ सजा। उसकी मदद पे भी जादू कर रहा क्या? काम आने बनना परेशान रहना बोल के। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तू नहीं करा होगा, तेरा जादूगर उस पे भी जादू कर रहा क्या? इसकी मदद बच्ची के खर खर सांग। मैं सिर्फ इस लड़की को इस्तेमाल कर रहा था। वो बच्ची, ये बच्ची मरने वाली थी लेकिन 5 दिन पहले इसको उसके घर के शायद उस मर्द के घर के कुछ पेड़ जल गया है। झाड़ जला के तुम्हारे यहाँ जब लड़की मरने वाली थी रात रानी ने को रात को लेकिन वो घर के सामने जला गया पेड़ गया झाड़ पे वार गया झाड़ जल गया। बोल रहा शैतान उसके घर के सामने झाड़ था तो वो लोग वहाँ पर रहो था। लड़की मरने वाली थी बच्चे तो झाड़ चला वो रात रानी का झाड़ प्राजक्ता का फूल रहता है रात को फूल आते हो वो और वो तो शराब पीते है और वो तो बोलते है ना वो झगड़ा करती है और अंदर बैठ के देखेगा और मार के भी ले जाने वाला था दोनों के औरत मरद के भरना लगा के औरत को सुसाइड करने लगाने वाला था। अरे कमीने तू आत्महत्या करने लगा था उसको बोला था करवाने के लिए उस लड़की के हाथ से। हाँ मैं अपने भाई से नहीं की आत्महत्या कराने ले जा रहा था तू उसको झगड़े करा रहा बाद में आत्महत्या बोले भाग रहा उसको है ना सब मालूम रहता मेरे को कम बात अब क्या करूँ तेरे को बोल अब मैं अब इस लड़की के लिए मेरी गलती हुई मुझे माफ करो जोर से बोल को सजा मिलनी चाहिए सब मिलती बरोबर कैसा नहीं मारेंगे उसको सुख मार पड़ेंगे ना बाप का राज चल रहा उसके। हाँ तो बात कर जल्दी तू पहले मेरी गलती हुई यार कल भी झगड़ा हुआ था कल भी ऐसे ही कर रही थी किसी का सुनता नहीं थी दो जनों को कंट्रोल नहीं हो रहा देखने ना यार अंदर बैठा था इन्हें कर रहा था सब और कल रात को हमने आपको कॉल किया था 7 बजे आप बोले कल 1 बजे के बाद आओ ये इसके पिता है माझ्या मोबाईल वर भी आमचे एक चाचा आहेत त्यांनी फोन तो लावला होता म्हणून तुम्ही काय म्हणजे बापऱ्यावाला चाचा आहे घर मे सबाची तरफ चलना चाहिए म्हणजे काय होत ये आदमी जब तक है इस मर्द के घर में कुछ सीधा नहीं चलेगा सारी तंत्र मंत्र क्रिया को नष्ट करा दूंगा आज की जितनी से क्या सिद्धियां सब पाड़ के खाद करा के ला लेंगे क्या समझाओ ना रहा आपको भी पूरा वर्ष में कर लिया है उस आदमी सारी जिंदगी भर की तंत्र मंत्र खत्म कर दूंगा मैं एक झटके में और उसको उधर कैसे मार मारने लगा दूंगा भी देख कम्बा खत किसको वश में करा उन्होंने जून महीने बच्चे को फोन मारने वाला कितना भी झूठ बोला मेरे सब मालूम रहता सही से क्या दास्तान चल रही है आप बोले बच्चे को मारने वाले थे मैंने खाना भी नहीं खाया इतना झगड़ा चल रहा था 3-4 दिन पकड़ लिया था इसलिए यार मैं खाना नहीं खा रहा था बहुत झगड़े लगा के मार रहा था ये जो औरत है उसकी माँ पता नहीं मेरे को लेकिन इसका पिता
इसका मद, इसकी सांस, सबका मुंह पकड़ लिया, इस औरत का भी मुंह पकड़ लिया है। इसलिए अभी कल के दिन भी अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे। अभी भी तू जादू से नहीं, मैं नहीं कुछ कर रहा अभी। तेरा मालिक कर रहा जादू टोने। हाँ, वो आदमी कर रहा है। कौन मालिक है? पूछो नाम। नाम रे कौन होता ते कौन ही भेजा इस्मत का नाम पे कौन आचा इस्मत का औरत के दो लसादी इस्मत का बाप पे उठ रहा था ते तेरा तो गाँव दे कौन गाँव ना काय नाम है ते गाँव चा उस गाँव का नाम कोरेगा काय कौन सा गाँव कोरेगा पिपल गाँव कोरेगा और कौन आए थे सोबत मिले लोग का एक मथारा मथारे का क्या नाम आए थे लेकिन वो मर गया और कौन होते थे ये दोनों थे पोरगी चक्का ले होते थे जादू का करने के वास्ते कपड़ा मट्टी चप्पल बाल केस का घेतले होते बाल मिलते बाल की बाल वो भी वो लड़की को भी किसी को भी पता नहीं कैसे बाल लेके गए थे और लड़की का केस कौन घेतले होते पोरगी से अरे जी आई लड़ती पता नहीं था जब आई मुड़ लड़ती झगड़ा क्यों झगड़ा करके दिया था चिड़ता उसके माँ पे उसके भाई पे अंदर बैठ के लड़ता उसको अरे जला दो पूरा चल तो बात पका जल्दी तो बता बकार अब उसी सारी तंदर मंत्र क्रिया खत्म कर दूंगा मैं आप चल कम बहुत चल बाहर जाके खड़े हो जा छोड़ उसको सारा तंदर खत्म करता मैं उसका जला कर आप करता कितने मंत्र राम तंत्र मैं तो चल अब तू बाहर जाना तेरी खैर नहीं रहेगी तेरे को पूरा पीस के खत्म कर दूंगा कम बहुत जो वो आदमी हाँ पूरा मर जाएगा तभी इस लड़के का सबसे ठीक से चलेगा देखना मैं क्या करता हूँ अंतर ही खत्म कर देता हूँ जब लड़की अपने बाप को भी नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये सब बहुत बहुत ताकत से किया है बाप अब निकालने को आस्ते बढ़ जाले जाओ इसको नालापुर बन के डालो उसकी सारी जादू को टोने की तंत्र मंत्र की उसकी जादूगर की जला के राख करने की तैयारी करो वर्षा तेजस छोए वर्षा भाई छोए वर्षा भाई काय झाला ओए वर्षा वर्षा भाई हाँ काय झाला पाणी देऊ ओय वर्षा भाई काय झाला इकडे कोण आहे तुझ्या बाबा ते कोण आहे कोण आहे हे कोण आहे ये नवरे चला लावून तू खुश
ये पानी की बॉटल सुबह शाम मुंह पे मारते ना, बॉटल कर मार रहे सुबह शाम दो टाइम तीन से पौंडा बार मारा है जितनी पानी, ये पानी गया खोलो उसका ढक्कन, सुबह शाम दो टाइम ये पानी पिलाते ना बढ़ाते ना, दिन भर ज्यादा से ज्यादा तेज पानी पा जाए जितने अगला घर के सुधारे तो आधा पीते लोग आधा फेंकते नहीं, फिल्टर का पानी लेकर आते सब पानी पीते।